कैसे हो बच्चों? बेटा, टॉप ऑफ क्लासेस का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही चुका होगा कि क्या है। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो मेरा स्लोगन है, टैगलाइन है, वो यही है, ना इधर की ना उधर की, बात बस एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, और मैं फिर से बोलता हूँ, बोलना भी पड़ेगा बेटा। बेटा, नीट में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस में 75 से 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन टू लाइन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लाइन के अगल बगल से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिखा रहता है और उसके कॉन्सेप्चुअल बेस पर होते हैं। बच्चे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रट लेते हैं, कई जगहों पर रटाया भी जाता है, बच्चे भी रटने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उन बच्चों के मात्र 70 से 75 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं। पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, चौथे साल भी उसके वही क्वेश्चन सही होते हैं, तब वो झुंझला जाता है कि क्या करें, मुझे एनसीईआरटी तो पूरी आती है, अब क्या करें। तो बेटा, उसने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई नहीं, दूर हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज़ को कि कहीं कई बार उसका बच्चे का पढ़ने का मन भी नहीं होता है कि मैं किसी कोचिंग में जाऊँ और फिर से वही रिपीट करूँ। तो बस बेटा, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने सोचा, समझा और आपके सामने वीडियो लेक्चर्स के तरह वीडियो लेक्चर लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ कि वे बच्चे जो तीसरे चौथे साल के वो रिपीट कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर कितना खूबसूरती से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा, ये क्वेश्चन रहा, आपको पता है क्वेश्चन कहाँ का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपके पास जवाब हो सकता है, आपको जवाब है भी, इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? हमें मालूम है कि एटीपी प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ऑल दिस थ्री आर द प्रोडक्ट, ये नहीं है, आंसर इज दिस। मैंने आंसर लगा दिया। इन बेटा, जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को महसूस कर पा रहे हो कि आप सही आंसर लगा रहे हो? और लगा भी रहे हो तो कैसे आपने इसे टिक किया है? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगल बगल की बातों को पढ़ेंगे, अगल बगल की बातों को बताएंगे और फिर डिस्कस करते हैं। तो मैं डिफरेंसेस की बात करता हूँ, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, उन्हें आप देखिएगा। आप तो जैसा कि बेटा लिखा हुआ है, NADN, NADH, NADPN, NADPH, NADN का रिडक्शन होता है तो NADH बनता है, NADH का ऑक्सीडेशन तो ये बनता है। आखिर बनते कहाँ, इनके नाम क्या हैं? तो पहला क्वेश्चन है, हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। इसे कहते बेटा निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगर दोनों में एक चीज़ मानी जाए तो इसमें एक फॉस्फेट कम है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ज़्यादा है। अब बेटा, ये होता क्या है निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट? तो कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, एक इसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें बेटा दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड पर, इसके एक न्यूक्लियोटाइड पर बेटा एडिनिन बेस होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर बेटा निकोटिनामाइड यानी कि नियासिन डेरिवेटिव यानी कि विटामिन थ्री डेरिवेटिव पाया जाता है। ठीक बेटा, तो इसमें हम सब इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि इसे हम क्या कहते हैं, ये डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, इसका मतलब सीधा हो गया बेटा। देखो जरा सा, ये बेटा शुगर है, इस पर यहाँ पर फास्फोरिक एसिड है, यहाँ पर ये बेटा दूसरी शुगर है, इस पर फास्फोरिक एसिड है, तो दोनों फास्फेट से जुड़े हुए होते हैं बेटा, बोथ आर ज्वाइंड बाय देयर फास्फेट ग्रुप, ठीक। हम इसे कहेंगे फास्फेट होता है, फास्फेट होता है, आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसके इस पहली कार्बन पर बेटा एडेनिन होता है, एडेनिन बेस होता है बेटा, लेकिन इससे बेटा इसके दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर निकोटिनामाइड लगा होता है, ये निकोटिनामाइड होगा यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, निकोटिनामाइड यहाँ पर अटैच होगा, ये निकोटिनामाइड यहाँ लगा होगा बेटा, ठीक है ना, इस जगह पर ये ऑक्सीजन है, ये NH2 है, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन है बेटा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में निकोटिनामाइड है। यहाँ बेटा अगर एन होता केवल NO2 होता तो ये नियासीन हो जाता बेटा, NO2 होता तो, और NH2 हो गया एमाइड, तो इसे निकोटिनामाइड कहा गया है। तो इस न्यूक्लियोटाइड पर निकोटिनामाइड, इस न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, इसे निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड नाम दिया गया है, एक सामान्य बात है। यही फिगर मैं अगर यहाँ पर ड्रा करूँ तो एक फास्फेट ग्रुप लगाऊँगा जिसे मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। ये भी बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड पर एडेनिन ग्रुप है, इस न्यूक्लियोटाइड पर निकोटिनामाइड है, ये भी बेटा डाइन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन पहले वाले जिस पर एडेनिन है उसके सेकेंड कार्बन के, पहला कार्बन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा कार्बन है, यहाँ से बेटा एक H3PO4 जुड़ा हुआ है फास्फेट ग्रुप, इसीलिए इसे कह देते हैं निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADP, एक फास्फेट इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। ये तो इसके नाम की बात है, आप इसके स्ट्रक्चर को समझो या ना समझो, हम इतना पढ़ना पड़ेगा। NAD क्या है तो कहोगे डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, नंबर एक दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नंबर दो पहले न्यूक्लियोटाइड से बेस और दूसरे से निकोटिनामाइड। एक भी क्वेश्चन आता है क्या होता है, तो कहेंगे जवाब देंगे बेटा इसमें कई बार कहते हैं दिस इज विटामिन नियासिन या विटामिन बी थ्री डेरीवेटिव, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके बेटा, अच्छा अब हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं जिसे मतलब सामान्य रूप से पढ़ना बेटा। इसे बेटा कोएंजाइम फर्स्ट की तरह जानते हैं, इसे बेटा कोएंजाइम सेकंड की तरह जानते हैं, ये बेटा क्रेब्स साइकिल के थ्रू बनते हैं, ये ग्लाइको लिसिस में बनते नजर आते हैं, ये बेटा केल्विन साइकिल में बनते नजर आते हैं, और HMS पाथवे कहते हैं, अभी मैं इसको बताऊंगा, इसी को बेटा PPP पाथवे भी कहा जाता है, उसमें बनते हैं। ये जो बेटा एक प्रकार से कहा जाए कैटाबॉलिक प्रोसेस है वहाँ बनते हैं, और ये बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस है वहाँ बनते हैं। दोनों का ही मेटाबॉलिज्म में ही रूप है, दोनों का ही मेटाबॉलिज्म में ही रोल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था वो ध्यान से देखने वाली बात है, यानी जो NADH होगा बेटा ये रिस्पिरेशन में बन रहा है, जो NADPH है बेटा ये फोटोसिंथेसिस में बन रहा है,
और ये मैं अपनी रेगुलर क्लास में बताता हूँ जब भी NAD और NADP की बात आती है। तो जब आप रेगुलर क्लास में इसको पढ़ते हो और आपके नोट्स में लिखा होता है और जब वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, एग्ज़ाम में आ जाती हैं, तो बड़ा बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स से फंसते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के इस टॉपअप क्लास में मैंने किस चीज़ को आपको बताया, कौन सी चीज़ इधर उधर की बताई, कौन सी चीज़ अगल बगल की बताई, क्वेश्चन आपका कब का है मैंने पहले बताया। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2018 का है और जब 2018 में आया था तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया था ये देखना ही देखना था। तो NAD और NADPH दोनों ही बात, NADH और NADPH दोनों ही क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने, दोनों ही मुझे समझ में आ रहे हैं। अब इतना क्लोज है कि हम कैसे लगाएं, कैसे समझें, चलो वो बात मैंने समझ भी लिया। तो हो सकता कुछ एनाबॉलिक प्रोसेस कह देते इसमें से, रिएक्शन ऑफ द एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, तब आप क्या करते हैं। तो चीज़ें बेटा बहुत हल्की सी होती हैं, हल्का सा बदलाव आता है, मैं उसी पर चर्चा करता हूँ, उसी पर मैं बात करना चाहता हूँ कि NAD को बेटा हम लोग कोएंजाइम फर्स्ट कहते हैं, इसको कोएंजाइम सेकंड कहते हैं, ठीक, इसे TPN के नाम से भी जानते हैं। ये क्रब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में बनता है, ये केल्विन साइकिल में फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन C3 साइकिल का है और HMS पाथवे को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के नाम से जाना जाता है। बेटा कुछ बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस होती, कुछ बैक्टीरिया में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो NADH और NADPH इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्कस बताया, इनका दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड पर बेस लगा हुआ था, दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर निकोटिनामाइड लगा होता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ नियासिन मीन विटामिन B3। और विटामिन B3 जो होता है हम लोगों को किस रोग में काम आता है, तो जवाब है इसकी डिफिशियंसी से पैलाग्रा हो जाता है, या यूँ कह सकते हो पैलाग्रा के ट्रीटमेंट में विटामिन B3 दिया जाता है। तो बेटा मैंने कहा, बार बार कहूँगा, टॉपअप क्लास का कॉन्सेप्ट यही है, ना इधर की ना उधर की बात, बस NCERT के लाइन के अगल बगल की। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या डायरेक्ट है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, बहुत बार हम लोग पढ़ते रहते हैं ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इन चीज़ों को लेकर हम आपके पास आ रहे हैं और वीडियो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे इन लेक्चर को सब्सक्राइब करने के लिए पहले तो अपने दो वीडियो अच्छे लग रहे होते दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन प्राप्त करिए, और उसके अलावा टॉपअप वीडियो को लेने के लिए स्काइप MTK ऐप पर जाइए, स्टोर पर देखिए, आपको टॉपअप वीडियो के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो कि आप नहीं भूलेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।